प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र खोलकर करे लाखों की कमाई। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मकसद लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक देश में करीब 6,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में यदि आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा, बल्कि सरकार आपको धीरे धीरे रिटर्न भी कर देगी जो भी आप खर्च करेंगे। कम खर्च में यदि आप अधिक मुनाफा वाला बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस बिजनेस में अच्छा कमीशन मिलने से अच्छी खासी मोटी कमाई हो सकती है। जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार हर जिले में करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो तुरंत ही इसके लिए आवेदन करें। इन जन औषधि केंद्र में अभी 800 से ज्यादा तरह की दवाइयां बिकती हैं। वहीं अगले 4 साल के दौरान इन केंद्रों में 2000 तरह की दवाएं और कम से कम 300 तरह के शल्य चिकित्सा के उपकरण बेचे जाएंगे। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है। जन औषधि केंद्र खोलने से पहले जान लें इसके बारे में पूरी जानकारी कि कौन कब कैसे जन औषधि केंद्र खोल सकता है। यदि आप जन औषधि योजना केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का केंद्र खोल रहे हैं, कौन लोग इस केंद्र को खोल सकते हैं, यानी कि जन औषधि केंद्र की कैटेगरी क्या होगी। चलिए जानते हैं जन औषधि केंद्र की कैटेगरी कौन कौन सी है। पहली कैटेगरी के तहत कोई भी व्यक्ति बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस स्टोर शुरू कर सकता है। दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अवसर मिलेगा। तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसीज होंगी। इसके लिए 120 स्क्वायर फीट एरिया में दुकान होनी जरूरी है। स्टोर शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 900 दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कहां से मिलेगा फॉर्म और कैसे करना होगा अप्लाई। जन औषधि केंद्र के लिए रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होता है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास 120 वर्ग फीट की दुकान होनी चाहिए। जन औषधि केंद्र के लिए फॉर्म यहां से डाउनलोड करें और अप्लाई करें। इसके बाद आपको आवेदन ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम से भेजना होगा। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया का एड्रेस जन औषधि की वेबसाइट पर और अधिक जानकारी उपलब्ध है। आप यहां से सभी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। जन औषधि योजना केंद्र के लिए कौन से कागजात हैं जरूरी। अगर आप खुद आवेदन कर रहे हैं तो आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होगी। अगर कोई गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार, पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। पीएमजेएवाई के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। जन औषधि योजना केंद्र के तहत आपको क्या लाभ मिलेंगे। दवा की प्रिंट कीमत पर 20% तक का मुनाफा, 2 लाख रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय मदद। जन औषधि योजना केंद्र के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र को 12 महीने की बिक्री का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। ये रकम हालांकि अधिकतम 10,000 रुपए हर महीना होगी। उत्तर पूर्वी राज्य, नक्सल प्रभावित इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में ये इंसेंटिव 15% हो सकती है। यहाँ भी रुपए के संदर्भ में ये रकम अधिकतम 15,000 रुपए हो सकती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।